प्रदूषण की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते, मेरा नाम है महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। जैसे हमने बताया था कि एक के बाद एक तीन पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। आप देख सकते हैं कि पहला पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कल तक यानी कि 18 तारीख तक एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा और तीसरा जो पश्चिमी विक्षोभ आपको दिखाई दे रहा है ये 20 तारीख तक जम्मू कश्मीर के आसपास पहुंच जाएगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सारे इलाकों को प्रभावित करना शुरू करेगा और ये तीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आ जाएंगे उसके बाद में कम से कम 4 या 5 दिन का गैप देखने को मिलेगा। यानी कि बारिश की गतिविधियां लगभग पूरे हिंदुस्तान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, पहाड़ हैं, इन सारे इलाकों में लगभग मौसम साफ हो जाएगा और तापमान एक बार फिर उत्तर दिशा से चलने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं के चलते गिरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने शुरू हुए हैं, हालांकि अभी भी उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशाएं से हवा चल रही है और अब 18 तारीख से यानी कल और परसों से 18-19 तारीख से ये जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित करना शुरू करेगा तो हवाएं बदलेंगी और 20 तारीख के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब और हरियाणा के ऊपर रहेगा। तो 20 तारीख से जो तापमान है मिनिमम टेम्परेचर खास करके काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और डबल डिजिट में कई इलाकों में यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में डबल डिजिट में मिनिमम टेम्परेचर आ जाएंगे जो अभी काफी ज्यादा कम है। तो यानी कि सुबह और रात की सर्दी से राहत मिलेगी और ये जो फॉग आप देख रहे हैं कि यानी घना कोहरा जो छाया हुआ था कई दिन से उसमें भी अब धीरे धीरे थोड़ी सी कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, बादल छाते हैं, तो क्या होता है कि मिनिमम टेम्परेचर बढ़ने के कारण कोहरे की जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। यानी कि कोहरा छाने के लिए 3 पैरामीटर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, यानी नमी 90% से ज्यादा होनी चाहिए और जो टेम्परेचर है 5 से 6 डिग्री या 60 डिग्री तक होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और उसके बाद जो हवाएं हैं वो कमज़ोर होनी चाहिए यानी कि बहुत हल्की होनी चाहिए। हवाएं कमज़ोर रहेंगी, ह्यूमिडिटी भी रहेगी, लेकिन जो टेम्परेचर है वो बढ़ने के कारण कोहरे की जो डेंसिटी है कम हो जाएगी, जिससे कि जो कोल्ड डे कंडीशन है उसमें कुछ राहत मिलने की संभावना हमें नज़र आ रही है। तो 18 तारीख को यानी कल एक बार फिर स्नोफॉल पूरे इलाके में बढ़ेगा और उसके बाद 21 और 22 तारीख को भारी स्नोफॉल पूरे इलाके में हो सकता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अगर यानी कि गिरती हुई बर्फ का आनंद लेना है तो पहाड़ी जो इलाके हैं जैसे कि श्रीनगर हो गया, गुलमर्ग हो गया और बाकी जो इलाके हैं जैसे कि कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, ये सारे इलाकों की तरफ आप रुख कर सकते हो और ये सारे इलाकों में बर्फबारी होने का अंदाजा हमें लग रहा है और काफी अच्छी बर्फबारी इस इलाके में देखने को मिलेगी। 22 तारीख के बाद से 23 तारीख तक वेदर क्लियर होना शुरू हो जाएगा और ठंडी हवाएं एक बार फिर चलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में यानी उत्तरी जिलों में और मध्य जिलों में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 21 तारीख को देखने को मिलेगी। 22 तारीख होते होते राजस्थान से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, इन इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है और बारिश की गतिविधियां जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में बहुत हल्की होंगी, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर और जयपुर, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है और हो सकता है कि, लेकिन बाकी जो इलाके हैं चित्तौड़गढ़ हो गया और उदयपुर हो गया, ये जो इलाके हैं डूंगरपुर, राजसमंद, ये सारे इलाके लगभग शुष्क रहेंगे और उसी तरह गुजरात का मौसम भी शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 22 तारीख होते होते जो वेदर एक्टिविटी है वो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों को कवर कर लेगी, यानी कि प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर होते हुए ये रायबरेली और जो बाकी इलाके हैं यानी कि लखनऊ, कानपुर, औरई और पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इस सारे इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और 22 तारीख को ही बिहार और झारखंड के एक दो इलाकों में बारिश होगी, लेकिन 22 और 23 तारीख को बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगी और हालांकि 23 तारीख से यहां पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के कुछ इलाके और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 23 और 24 तारीख तक बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। हालांकि 23 और 24 तारीख को बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये आप देखिए जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ते हैं तो ये जो हिमालय है तो हिमालय के साथ साथ, तराई के साथ साथ बादल आगे बढ़ते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचते हैं और एक ट्रफ रेखा भी बनने वाली है, ये 18 तारीख को बनेगी और उसके बाद ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी। तो 21-22 तारीख को ये जो हवाएं हैं यहाँ नमी बढ़ाएंगी
बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर राज्यों में, तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ सकती है। और मध्य भारत की अगर हम बात करें, जैसे हमने बता दिया कि दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पूरा महाराष्ट्र शुष्क रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोरिया, कोरबा, अंबिकापुर में, सरगुजा वगैरह में हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और उसी तरह महाराष्ट्र में अब धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। सुबह और रात की सर्दी में कमी आएगी और दिन भी हल्का गर्म होने लगेगा। मुंबई में भी इसी तरह का वेदर देखने को मिलेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर 20-21 तक आ जाएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 30-31 डिग्री तक मुंबई में देखने को मिल सकता है। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, लक्षद्वीप ये सारे इलाके शुष्क हो जाएंगे और आंध्र प्रदेश के अंदरूनी इलाके भी लगभग शुष्क रहेंगे, हल्के फुल्के बादल छाएंगे। लेकिन ये काकीनाड़ा से लेकर के तिरुपति, नेल्लोर, कावाली इन सारे इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। और उसी तरह से चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल और ये जो इलाके हैं यानी कोस्टल तमिलनाडु, इस इलाके में भी बहुत हल्की बारिश या हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। आंतरिक तमिलनाडु जैसे नीलगिरी हिल्स हो गया, मदुरई और कोयम्बटूर, इन इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि छुटपुट बादल की गति बादल छा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। एक एंटी साइक्लोन अरब सागर में बन रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि घड़ी की दिशा में जो हवाएं चलेंगी उसके कारण ये जो हवाएं हैं यानी गुजरात की तरफ भी आएंगी, तो इससे क्या होगा गुजरात में जो मिनिमम टेम्परेचर है, कड़ाके की सर्दी थी, उससे कुछ राहत मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के वेदर इस इलाके में थोड़ा सा राहत भरा रहेगा, यानी कि गर्मी मतलब जो सर्दी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और थोड़ा सा गर्म मौसम होने लग जाएगा। और जो जो तटीय इलाके हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के, इसमें बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह शुष्क रहेंगे। तो यानी कुल मिलाकर के बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान से शुरू होकर के पूर्वोत्तर राज्यों तक जाएगी, यानी कि पूरा जो भारत है उसको एक तरह से यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ कवर करेगी और पहाड़ों पर अच्छा हिमपात होगा और जो आधा हिंदुस्तान है वो लगभग शुष्क रहेगा। ये अभी तक का वेदर अपडेट है, इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। क्लाइमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।